कोशिश इतनी है कि कोई नाराज ना हो हमसे, कोशिश इतनी है कि कोई नाराज ना हो हमसे, नजरअंदाज करने वालों से नजर हम भी नहीं मिलाते। हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम जानेंगे इंस्टाग्राम स्टार रुचा त्रिवेदी के बारे में। रुचा इंस्टाग्राम पर ज्यादातर लिपिसिंग रिस्क कंटेंट के लिए जानी जाती हैं। रुचा प्रोफेशन से एक इन्फ्लुएंसर और मॉडल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले रुचा टिकटॉक स्टार भी रह चुकी हैं। इनकी कट स्माइल, ब्यूटी लुक, फेस और एक्सप्रेशन लोगों को इतना पसंद आते हैं कि लोग इनसे प्यार कर बैठते हैं। क्यूट से दिखने वाली रुचा को अगर किसी ने एक बार देख ले तो रुचा उनके सीधे दिल में उतर जाती है। अपनी इसी अदाकारी के बारे में जाने जाने वाली रुचा के बारे में आज हम स्टोरी के बारे में जानेंगे, साथ ही जानेंगे रुचा से जुड़ी कई सारे इंटरेस्टिंग बातों के बारे में। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले। तो चले गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई कहता है कल भी मेरी थी तू, मेरी होगी। रुचा को सोशल मीडिया पर रुचा नाम से ही जानते हैं। इनका फुल नेम रुचा त्रिवेदी है और निकनेम रुचा है। रुचा का जन्म 30 अप्रैल 1999 को मुंबई महाराष्ट्र में मिडिल क्लास हिंदू परिवार में हुआ। करंट टाइम में रुचा 22 इयर्स की हो गई हैं। बात करेगा रुचा के फैमिली की तो रुचा की फैमिली में रुचा के मॉम डैड, रुचा के एक ब्रदर और एक सिस्टर है। वहीं बात करेगा रुचा की एजुकेशन की तो रुचा ने स्कूल से अपनी स्कूलिंग कम्प्लीट की है। स्कूलिंग कम्प्लीट करने के बाद रुचा ने मुंबई के कॉलेज से ग्रेजुएशन कम्प्लीट की है। मुझे पूछता मोहब्बत क्या है, मैंने कहा तुम। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते अब जान लेते हैं रुचा की शुरुआत से करियर के बारे में। रुचा ने साल 2018 से टिकटॉक से अपने सोशल मीडिया करियर की शुरुआत की थी। शुरुआत में रुचा के वीडियो मोबाइल फोन से बनते थे इसलिए इतने बेहतरीन नहीं होते थे, लेकिन रुचा ने मोबाइल फोन से ही वीडियो बनाना शुरू की। रुचा को शुरुआत से ही लोगों ने टिकटॉक पर काफी पसंद किए। शुरुआत से रुचा को लोगों का प्यार और काफी सपोर्ट मिला, इससे रुचा के फैन और फॉलोअर्स बनते गए। बीते कुछ ही महीनों में रुचा ने अपने टिकटॉक पर लगभग 500 के फॉलोअर्स बना ली थी। रुचा इसी तरह के वीडियोज बनाती रही और टिकटॉक पर फेमस हो रही थी। रुचा ने अपने टिकटॉक पर लगभग 2 मिलियन फॉलोअर्स बना ली थी, लेकिन इसके बाद टिकटॉक बैन हो गया और रुचा अपने टिकटॉक फैन से अलग हो गई थी। रुचा टिकटॉक बैन होने से निराश तो हुई थी, लेकिन बिना हार मानते हुए इंस्टाग्राम से जुड़ी और रील्स वीडियोस बनाने लगी। रुचा के रील इंस्टाग्राम पर इतने पसंद नहीं किए जा रहे थे, इसके बाद रुचा के टिकटॉक फैन ने उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो करने लगे। रुचा ने अपने फैंस के प्यार और सपोर्ट से आज उनके इंस्टाग्राम पर 306 के फॉलोअर्स है, जो रुचा ने 449 पोस्ट से बना लिए। इसके अलावा रुचा और भी सोशल मीडिया पर नजर आती रहती हैं। जिंदगी की किताब में सबसे हसीन पन्ना मेरी माँ की मोहब्बत। ये दुनिया पराई है, बस एक अपना है। गाइस आप जान लेते हैं रुचा के कुछ इंटरेस्टिंग बातों के बारे में। बात करेगा रुचा के फिजिकल स्टेटस की तो रुचा की बॉडी हाइट लगभग 5.3 फीट है। रुचा की बॉडी वेट लगभग 50 केजी है। रुचा की हेयर कलर ब्लैक है और आइज कलर डार्क ब्राउन है। ये जो दोस्त हो के तुम मुझ पे इतना हक जताते हो, दोस्ती का मतलब प्यार थोड़ी होता है? होता है ना? नहीं। अरे होता है। नहीं होता है? नहीं। आप बताओ दोस्ती का मतलब प्यार होता नहीं है? नहीं होता। होता नहीं है? होता। बात करें अगर रुचा के रिलेशनशिप की तो रुचा अभी तक अपने आप को सिंगल ही बताती है। तू नवाब है तो मैं बहुत खराब हूँ, जब तू खराब है तो मैं तेरा भी बाप हूँ। बात करेगा रुचा के फेवरेट की तो रुचा को मोमोज और पिज्जा खाना बेहद पसंद है। रुचा का फेवरेट कलर ब्लैक एंड ब्लू है। रुचा के फेवरेट एक्टर वरुण धवन, रुचा के फेवरेट एक्ट्रेस करीना कपूर और दीपिका पादुकोण है। रुचा के फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह है। रुचा के फेवरेट क्रिकेटर रोहित शर्मा है। ये वीडियो खासकर लड़कों के लिए, संघर्ष पिता से सीखिए, संस्कार माँ से सीखिए, बाकी बर्तन धोना तो आपकी बीवी आपको सिखा ही देंगी। मेरी जिंदगी की चार सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं सोचती बहुत हूँ, गुस्सा भी बहुत करती हूँ, जिद्दी भी बहुत हूँ और मैं रोती भी बहुत हूँ। क्या करूँ यार, मुझसे अपने बाल तो संभाले नहीं जाते, किसी का घर क्या खाक संभालूंगी। कुछ लोगों को हमारी कद्र इसलिए नहीं होती क्योंकि बंदर का जाने अदरक का स्वाद। मुझे शादी करनी थी तुमसे। हाँ वाला हाँ कि सवाल वाला हाँ। घर में कहीं खो जाओ तो मुझे ढूंढने आओगे। सहलू मैं अब तेरी कमी।
सो गाइस ये रहे रुचा त्रिवेदी की फुल लाइफ स्टोरी। उम्मीद है कि वीडियो में दी गई रुचा की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। साथ ही वीडियो को एंड तक देख ही लिया है तो रुचा के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। फिर मिलेंगे गाइस इसी तरह की वीडियोस के साथ। गुड बाय।